नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त हम जो है लाखा बंजारा झील पर है और जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर निश्चित तौर पर इस बात की ओर इंगित करती है कि धन्य है रे प्रशासन और धन्य है रे सरकार। इस वक्त हिंदुस्तान में सनातन धर्म के पितृपक्ष चल रहे हैं। 15 दिन के पितृपक्ष है और ये कहा जाता है, सनातन धर्म में भी ये लिखा है कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जो आपके पुरखे हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनको पानी दिया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, सागर के अगर कोई पूर्वज है, सागर के अगर कोई पितृपक्ष के देवता है तो वो है लाखा बंजारा। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे, न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर। ये इस वजह से दिखा रहे हैं कि 1.5 साल से इनकी आँख में पट्टी बंधी है, इनको ढक पीले कपड़े से ढक दिया गया है। अरे, जिसने शहर को सुंदरता दी, जिसने एक टाइम पर शहर की प्यास बुझाई, जिसने त्याग बलिदान की, सागर की धरती पर नई कहानी लिखी, वो लाखा बंजारा कैसे दुर्भाग्य के क्षण में खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके आंखों में पट्टी बंधी है 1.5 साल से, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। और जो सफाई की बात करते हैं कि लाखा बंजारा झील की उनने सफाई कर दी, शर्म आए और चैलेंज है कि आओ एक बार हमारे साथ भी देख लो। गंदगी का अंबार है और आप इस किनारे किनारे अगर चलेंगे तो वो गंदगी जो पहले थी और जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी है, तो क्या प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, क्या अधिकारियों को स्मार्ट सिटी को शर्म नहीं आती? और शर्म इसलिए नहीं आती कि इतने बेशर्म हो चले हैं अब लोग, कैसे जो है बंदरबांट हो गए। करोड़ों रुपए विकास के लिए आया, सुंदरता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन हम फिर कहेंगे कि सागर की आत्मा, सागर के पूर्वज अगर कोई है तो वो लाखा बंजारा है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से इस शहर को पानी दिया था। 1.5 साल से उनके चेहरे पर पट्टी बंधी है। कई बार मुख्यमंत्री आ गए, कई बार मंत्री आ गए, लेकिन किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि उनकी आंखों से ये पट्टी जो है अलग कर दी जाए। हम फिर कहेंगे कि ये पितृपक्ष चल रहे हैं और जो परिवार, जो घर अपने बुजुर्गों के, अपनी पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, उन्हें सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि उन्हें श्राप लगता है। तो श्राद्ध पक्ष है, तो श्राद्ध पक्ष में सागर प्रशासन को, स्मार्ट सिटी को, सरकारों को श्राप न लगे एक बंजारे का, जिसकी जो है अद्भुत गाथा है। और उस अद्भुत गाथा में उसने यहाँ एक झील दी थी, तमाम उसने पैसे लगाए थे, तमाम संपत्ति लगाई थी और एक यादगार झील सागर को दी थी। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि 1.5 साल होने के बाद उनके चेहरे से पट्टी नहीं हटाई जा रही है और उनके चेहरे पर पट्टी बंधी है। 27 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं और हमने आपको इससे पहले एक तस्वीर दिखाई जो पीली कोठी इलाके की थी, जहां गरीबों को, जो झोपड़ी में रहते हैं, उनको ढकने के लिए कुछ पेड़ लगा दिए गए। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मोहन यादव को गरीब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अमीरों के कार्यक्रम में आ रहे हैं, उद्योग डेवलप करने सागर आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, ये बनावटी क्यों? जो शहर सागर है वो सागर शहर को सागर ही शहर रहने दो। आपने उसे इंदौर और भोपाल की तर्ज पर विकसित करना चाहा, लेकिन हो ना सका। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कपड़ा न लगता और बीच में सोना। आपके पास संसाधन है नहीं। शहर जो है पहाड़ियों वाला शहर है, यहाँ सीवरेज राय फेल हो गया, टाटा ने इतने अत जो है यहाँ मचाए हैं, जगह जगह सड़कें खोद दी, सुलभ शौचालय आपने स्मार्ट बनाए, आज तक ताले लगे हैं। आप जो स्मार्ट सिटी में बनाते हो सब बंद पड़ा है, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढे वही सुधर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री को गुजरना है।
समुदाय का विकास करते हैं, वो कौन सा ये दावा करते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि झूठे वादे मत करो। फिर हम कहेंगे कि 15 दिन बहुत पवित्र सनातन धर्म के हैं, बुजुर्गों के हैं, पितरों के हैं, पूर्वजों के हैं। और सागर के अगर कोई पूर्वज है तो 2 पूर्वज हैं, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब और दूसरे हैं लाखा बंजारा। अगर उनका सम्मान नहीं करना चाहते हो तो उनका अपमान भी मत करो। बस यही गुजारिश है। 7 दिन डॉक्टर मोहन यादव को और बचे हैं। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि डॉक्टर लाखा बंजारा की झील से, उनकी इस मूर्ति से, प्रतिमा से वो पट्टी जरूर हटाएं, और ये जो गंदगी है उसकी भी सौगंध खा के जाएं कि यहाँ गंदगी नहीं रहेगी। शहर की जो लाखा बंजारा झील है वो आज से 50-25-30 साल पहले खूबसूरत थी, लेकिन हम ही और आपने, यहाँ के प्रशासन ने, जब जब पैसा आया तब तब वो बंदरबाट हो गया और आज ये आपको क्षण देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बात हकीकत है वही बोलना चाहिए, यही पत्रकारिता का धर्म है। हम तो बार बार यही कहते हैं कि चोंचले मत बगारो, जो हकीकत है उसको बयां करो। आप भले इस झील को सुंदर कह लें, लेकिन यहाँ से गुजरे तो जब आपको यकीन होगा कि आज भी ये गंदी है। इतने पैसे खर्च कर दिए, तमाम पैसे आपने सड़कों पर लगा दिए, तमाम पैसे आपने गड्ढे भरने में लगा दिए, अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली। अब स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग देखो, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, 6-7 हजार रुपए की कुर्सियां हैं। ये किसका पैसा है? स्मार्ट सिटी के बाप का पैसा है क्या? जवाब दे स्मार्ट सिटी। यहाँ जो है बहरूपिया की तरह स्मार्ट सिटी आई और शहर को खोखला करके चली गई। ये हम नहीं, यहाँ की आवाम कहती है। फिलहाल इस पेशकश में हम बार बार कह रहे हैं कि इतना ही, लेकिन अंतिम टाइम पे हम लाखा बंजारा को प्रणाम करते हैं कि अगर उम्मीद है हुक्मरानों तक ये खबर पहुँचे तो 7 दिन में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनकी आँखों से पट्टी और ये नकाब जरूर हटा दिया जाएगा। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे न्यू खांड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर।